हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 लाइन एंगल एंड ट्रायंगल्स का, ठीक है, लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल का आज ये हमारा 5th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने रिजल्ट ऑन पैरेलल लाइन के दो थ्योरम देखे थे, ठीक है ना, और आज हमारा 3rd थ्योरम है जो कि हमारा कन्वर्स ऑफ 1st थ्योरम है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो 3rd थ्योरम है वो क्या कहता है। हमारा 3rd थ्योरम कहता है बच्चे कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन मेकिंग अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल देन द टू लाइन आर पैरेलल। कह रहा बच्चे कि अगर कोई एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो लाइन को काट रहा है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हुए, तो वो जो दोनों लाइन है वो पैरेलल है, ठीक है। तो हम इसे प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने का तरीका हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको गिवन के बाद टू प्रूफ, और उसके बाद अगर आपको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, और नहीं तो हम प्रूफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग गिवन में लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, हमारे पास दिया हुआ बच्चे कि जो एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमारा गिवन रखा हुआ है जिसकी वजह से such that angle 3 equal to angle 5 हो रहा है। देखिए यही हमारा डायग्राम है, इस क्वेश्चन का इस फिगर है, जो हमारा लाइन ए बी है और लाइन सी डी है, इसको एक ट्रांसवर्सल है जो कि कट कर रहा है, जो हमारा ट्रांसवर्सल टी है जो इस लाइन ए बी को ई पे और सी डी को एफ पे कट करता है, ठीक है। तो हम इसे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों लाइन इक्वल होता है अगर हमारा जो एंगल 3 और एंगल 5 है वो दोनों इक्वल होता है तो, ठीक है। तो ये हमारा गिवन हो गया बच्चों, अब देखते हैं कि हमें करना क्या है टू प्रूव में हमें करना बच्चों ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। जो हमारा ए बी है, ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी, इन दोनों को हमें पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसी कारण अब हम डायरेक्ट प्रूफ की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, इस टर्म का हम इस्तेमाल करेंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ओके, ये हो गया। लेकिन जो हमारा एंगल 3 है वो एंगल 1 के, ये तो हमारा गिवन हुआ बच्चों, ठीक है ना, लेकिन एंगल 3 जो है हमारा एंगल 1 के बराबर होगा। ये जो एंगल 3 है ये हमारा एंगल 1 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिएगा कि जो हमारा एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल हो गया गिवन के थ्रू, ठीक है, गिवन के कारण हो गया। और जो हमारा एंगल 3 है, ये हमारा एंगल 3 है, ये हमारा एंगल 1 के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। तो बच्चे देखिएगा, एंगल 3 और एंगल 3 यहाँ दोनों में LHS हमारा सेम है तो हम RHS सेम कर सकते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, लेकिन ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो हमारे 1 और 5 है, एंगल हमारा 1 और हमारा एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो हमने पैरेलल लाइन का आपका बताया था रीजन क्या होना चाहिए, तो उसमें एक रीजन मैंने ये भी बताया था कि आपका जो एंगल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होगा तो वो आपका लाइन पैरेलल होगा। तो ये देखिए कि हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों वो इक्वल हो गया, तो हमारा जो लाइन ए बी हुआ वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के, और ये हमने इसे प्रूव कर दिया, ठीक है। एक और मैं फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जैसा कि हमारा थ्योरम बोल रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्स टू लाइंस मेकिंग अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल देन द टू लाइन आर पैरेलल, बोल रहा है कि अगर आपका एक ट्रांसवर्सल कर
दो लाइनों को इंटरसेक्ट करता, मतलब कट करता है, और एक पेयर ऑफ, जो आपका पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाता है जो कि बराबर है, कट करता है तो दो एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाता है, और वो दोनों एंगल इक्वल है, तो आपको बताना है कि जो दोनों लाइंस है वो आपका पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा गिवन में, बच्चों गिवन में हम सबसे पहले देख लेते हैं, अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइन ए बी एंड सी डी। एक ट्रांसवर्सल है जो हमारे लाइन ए बी और सी डी को कट कर रहा है, ए बी को कट करता है ई पॉइंट पे और सी डी को कट करता है पॉइंट एफ पे, ओके। तो जिसकी वजह से हमारा एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हो रहा है, और ये जो एंगल है बच्चों ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। चलिए, टू प्रूफ में हमें करना क्या है, ए बी पैरल सी डी। तो प्रूफ में हम चलेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 जो कि हमारा गिवन है, लेकिन जो हमारा एंगल 3 है वो एंगल 1 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, कि अगर आपका एक लाइन है और जो कट करता है बच्चे, तो मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूव करके पिछले वीडियो सेशन में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों से हमारा एंगल 1 और इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल 5 का, ये दोनों बच्चे एंगल 1 और एंगल 5 हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है, और पैरेलल होने के कंडीशन में एक कंडीशन ये भी बताया था हमने आपको कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो उसी क्राइटेरिया से हमारा जो ए बी लाइन है और सी डी दोनों पैरेलल प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमने थ्योरम थर्ड को प्रूफ कर लिया बच्चे, जो कि हमारा कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट था। अब हम थ्योरम फोर की ओर बढ़ेंगे जो कि हमारा थ्योरम टू का कन्वर्स है, ओके। ये हमारा थ्योरम फोर बच्चों, थ्योरम फोर हमारा जो है वो हमारे थ्योरम सेकेंड का कन्वर्स है। चलिए, तो देखते हैं कि थ्योरम फोर क्या कहता है। थ्योरम फोर है बच्चे कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। आपको बोला जा रहा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इस तरीके से कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, कि जो एक पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बनते हैं, जो कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बनते हैं बच्चों, उनका सम 180 होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब आप लोग जानते हैं कि सम 180 होगा, ठीक है। तो ये है हमारा थ्योरम फोर। चलिए, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास है क्या गिवन। गिवन है बच्चों कि ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, ठीक है, सच दैट एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। आपको हो रहा है बच्चों कि आपका ये जो कट करता है, तो जो आपका कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री बनता है, और आपको करना है कि आपका जो ए बी और सी डी लाइन है उसे पैरेलल प्रूफ करना, ठीक है। ये है, मैं आपको फिर से थ्योरम क्या बोल रहा है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपका थ्योरम बोलता है बच्चों कि जो आपका एक ट्रांसवर्सल है दो लाइन को इस तरीके से काटता है कि एक पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है बनाता है, जिसका सम 180 है। बोल रहा है कि जो आपका कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है वो सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब वो बच्चों सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि 180 डिग्री। तो एक पेयर ऑफ एंगल बोल रहा है, एक पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो पेयर में मतलब दो एंगल आएंगे बच्चों, तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए, तो हम इसे देखते हैं। तो ये आपका गिवन हुआ कि ट्रांसवर्सल कट टू लाइन ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ। आपका जो दो ट्रांसवर्सल लाइन ए, ये जो हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी को ई पे और सी डी को एफ पे कट करता है, ठीक है, और ये इस तरीके से कट करता है कि जो हमारा एंगल 4 और एंगल 5 है इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। टू प्रूफ देखते हैं। टू प्रूव, हमें टू प्रूफ में करना क्या है, जो ए बी पैरल सी डी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हमें इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम डायरेक्ट अब प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जो हमारा ई बी है, ई बी ये हमारे लाइन टी पे स्टैंड कर रहा है, रे ई बी स्टैंड ऑन
ठीक है, जो हमारा ये बच्चों ई बी है ये हमारा टी लाइन पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, ठीक है। ये हमारा जैसे कि ये हमारा लाइन है बच्चों और इस पे लाइन स्टैंड एक रे स्टैंड है, तो इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर से 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन जो कि हमारा गिवन है बच्चों एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा गिवन है, ठीक है, ये हमारा गिवन है कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो बच्चों देखिए दोनों का आर एच एस हमारा इक्वल है, तो एल एच एस हमें इक्वल करना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो 4 तो कैंसिल आउट होगा, तो हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, ठीक है। तो जो हमारा एंगल 1 होगा बच्चों ये और ये हमारा अगर बराबर हो जाता है, और जो हमारा एंगल 1 और एंगल 5 है ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है, बट एंगल 1 और एंगल 5 आर क्रॉस बॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सो ए बी पैरेलल सी डी हमारा ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से हम लाइन ए बी को सी डी के पैरेलल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, मैं इसे फिर से एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। देखिए तो हमारा थ्योरम कहता क्या है, थ्योरम 4 कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। कह रहा है बच्चों कि अगर एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है इस तरीके से कि जो हमारा इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का एक पेयर बनता और उनका सम वो जो हमारा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो अब आपको बताना है कि वो जो दोनों लाइन है हमारे लाइन ए बी और लाइन सी डी वो दोनों हमारा पैरेलल होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे बच्चों कि हमारा एक ट्रांसवर्सल है जो कि कट कर रहा है लाइन ए बी को और सी डी को, लाइन ए बी को कट कर रहा है पॉइंट डी पे और सी डी को कट कर रहा है पॉइंट एफ पे, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली हो गया, तो जो हमारा एंगल 4 प्लस एंगल 5 होगा बच्चे वो 180 डिग्री होगा, ये गिवन है। तो प्रूव हमें क्या करना है कि जो हमारा ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। अब हम प्रूफ में करेंगे कि देखिए बच्चे जो हमारा ई बी है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, ई बी जो हमारा ई बी है देखिएगा, ये हमारा ई बी स्टैंड कर रहा है एक टी पे, जो रे हमारा ई बी है वो लाइन टी पे स्टैंड है बच्चों, तो लीनियर पेयर से एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और हमारा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री ये हमें गिवन में, ये तो हमने किया लीनियर पेयर से, ठीक है। तो हम दोनों का आर एच एस हमारा बराबर है, तो एल एच एस हम इक्वल करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, 4 दोनों साइड है इसी कारण 4 नहीं लिखेंगे बच्चों, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हमारा बराबर हो जाएगा। लेकिन ये जो हमने एंगल 1 और एंगल 5 बराबर लाए हैं ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से हमारा ये लाइन ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि पैरेलल होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों पैरेलल लाइंस का आपका थ्योरम तो यहाँ फिनिश हो रहा है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइन देन प्रूव दैट इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। बोल रहा बच्चों कि अगर एक लाइन परपेंडिकुलर है, सॉरी ये लाइन हमारा इसके परपेंडिकुलर, मान लेते हैं लाइन एल हमारे एम के परपेंडिकुलर है, ये जो हमारा लाइन एल है वो हमारे एम के अगर परपेंडिकुलर है, तो जो दो लाइन दिया हो उसमें से एक के परपेंडिकुलर है, तो हमें प्रूफ करना है ये जो परपेंडिकुलर होगा वो एन के भी परपेंडिकुलर होगा।
मतलब है बच्चों कि हमारे पास दो गिवन लाइन है, एक एम है और एक एन है, ठीक है, और एक हमारे पास एल है। तो ये अगर एल लाइन एम के परपेंडिकुलर है तो ये हमारे एन के भी परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन में क्या क्या है, ठीक है। गिवन है बच्चों एल एम एन आर थ्री लाइंस, ठीक है, सच दैट एम पैरेलल एन एंड एल परपेंडिकुलर एम। जो हमारा एम है वो एन के पैरेलल है, बट जो हमारा एल है बच्चों वो एम के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये हमारा गिवन है, हमें टू प्रूव करना है कि एल परपेंडिकुलर एन, ये हमें प्रूफ कर, ये हमें टू प्रूफ करना है। तो चलिए हम अब आगे प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। चलिए जैसा कि अभी हमारे पास है कि जो हमारा एल है बच्चों, एल लाइन वो हमारे एम के परपेंडिकुलर है, तो हम हमारे पास हो जाएगा कि एंगल वन इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा एम है वो एम और एन पैरेलल है, ठीक है। चलिए जो हमारा एम है वो एन के पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल, एक हमारे पास ट्रांसवर्सल है बच्चों, ट्रांसवर्सल एल कट देम, कट देम, ठीक है। हमारे पास ट्रांसवर्सल एल है जो हमारे एम और एन को कट करता है, ठीक है। तो हमारा जो एंगल टू हो जाएगा वो एंगल वन के बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, छोटे बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण पैरेलल लाइन का ये रीज़न होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा टू वन के बराबर हो जाएगा, तो हमारा जो वन है बच्चों वो तो हमारा 90 डिग्री है, तो हमारा टू भी 90 डिग्री हो जाएगा, वन के जगह हम 90 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारा गिवन में है, ओके। तो जो हमारा जब अब एंगल हमारा वन 90 डिग्री के बराबर हो गया तो एल परपेंडिकुलर एन हो गया ना, मैं इसको एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए कि हमारे पास तीन लाइन है, ठीक है, एल एम और एन, जिसमें कि दो हमारा लाइन एम और एन एक दूसरे के पैरेलल है, और जो हमारा एल है वो लाइन एम पे परपेंडिकुलर है, ये इतना क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर ये एक के परपेंडिकुलर है तो वो दूसरे का भी परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले गिवन देख लेंगे कि गिवन हमारे पास एल एम एन तीन लाइन है, ठीक है, जिसमें कि हमारा एम पैरेलल एन है और एल परपेंडिकुलर है एम के, ठीक है ना। तो हम टू प्रूव में देख लेंगे बच्चों कि हमें प्रूव करना है कि जो ये एल है वो लाइन एम पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके पास दिया हुआ है कि एल परपेंडिकुलर है एम पे, अगर ये जो हमारा लाइन एल है बच्चों ये हमारे एम पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री बनाना। तो ये जो हमारा एंगल वन हुआ ये तो हमारा 90 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है, तो एंगल वन हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे कि जो हमारा एम पैरेलल एन है और ट्रांसवर्सल एल कट दें, जो हमारा एम और एन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और हमारा एक ट्रांसवर्सल एल है जो इसे काटता है, तो जो एंगल वन होगा बच्चों और एंगल टू ये दोनों हमारा बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल के एक्सियम से। फिर हम बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन में, ये हमने आपको पहले ही बता दे रखा है। तो हमारा जो एंगल टू हो जाएगा वो वन के बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। और देखिएगा कि जो हमारा एंगल वन है बच्चों वो हमारा 90 डिग्री है, हमारा एंगल वन 90 डिग्री है, तो अगर हम यहाँ 90 डिग्री प्रूफ कर रखेंगे बच्चों तो जो हमारा एंगल टू हो जाएगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारा एंगल वन 90 डिग्री के बराबर है और जो हमारा एंगल टू है वो एंगल वन के बराबर है करस्पॉन्डिंग के थ्रू। तो जो हमारा एल हो जाएगा वो एन के परपेंडिकुलर। जब आपको प्रूफ हमने अभी प्रूफ किया कि एंगल जो टू है वो 90 डिग्री तभी होता है बच्चों जब वो परपेंडिकुलर होता है। सो एल परपेंडिकुलर एन, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आप अपने बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आप बुक बना रहे हो, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में यहीं तक, आगे की टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।